चलते हुए आया, चलते चलते हुए वहाँ चले हैं खाने। सर एक कानपुर बालिका गृह में एक लड़की फिरोजाबाद की मिली है सर, क्या पूरा मामला है और कब वो वहाँ पहुँची गई थी? एक्चुअली मीडिया की जो खबरें आई हैं उससे ही पता चला था, तो लगातार मास मीडिया में खबर आ रही थी, उस खबर से ही पता चल रहा था कि ये फिरोजाबाद की भी लड़की है। उसी को हमने थोड़ा सा मीडिया की खबर को संज्ञान में लेते हुए जो हमने यहाँ पर देखा कि वो लड़की, चूँकि मैं भी अभी यहाँ पर नए एक महीने पहले ज्वाइन किया, तो जब वहाँ पर CWC और इससे मैंने बात की तो पता चला कि 16 फरवरी को वो लड़की यहाँ से गई थी, और वो ये भी पता किया गया कि 2 महीने की वो पहले से ही पैक है। मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था, तो वहाँ के जो स्पेशल जज थे उन्होंने जो है वो उसको आदेश किया था कि ये लड़की नाबालिग है, अतः इसको CWC दे। तो मामला हमारे पास CWC में आ गया, तो CWC ने उसको आदेशित कर दिया कि वो कानपुर को, क्योंकि हमारे यहाँ बालिका है तो उसको कानपुर के लिए रखा, इसीलिए 16 फरवरी को ही यहाँ से चले। वहाँ से कुछ आपके पास भेजा या कुछ आया था कि नहीं? हमारे पास नहीं, एक्चुअली बार बार मतलब मीडिया के माध्यम से ये बात खबर में आ रही थी, तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि फिरोजाबाद का नाम मतलब कुछ नकारात्मक तरीके से दिखाया गया था, तो इस पर स्पष्टीकरण एक वर्जन मैंने प्रिंट मीडिया को भी मैंने इसमें दिया था, तो यही मामला था। बाल का गृह है वहाँ आपकी सिस्टर हैं, तो क्या मामला रहा था पूरा, क्या कैसे पहुँची वहाँ? वहाँ उन्होंने घर जाने के लिए मना कर दिया। शुरुआत कहाँ से? शुरुआत थी रिपोर्ट में थी, लड़का बजा ले। एक लड़का जो तिवारी गली का रहने वाला था, उसका नाम मीतल था, तो उसके साथ वो चली गई। लड़की का नाम लक्ष्मी है, उम्र करीब 14 वर्ष, निवासी अनंतपुर। तो उसने घर जाने से मना कर दिया, इसलिए उसे कानपुर भेजा गया। आप द्वारा ही मुकदमा लिखाया गया? जी, मेरे द्वारा ही मुकदमा लिखा गया। तो अभी वो पॉजिटिव निकली हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं और प्रेग्नेंट भी हैं, तो क्या आपको कुछ जानकारी इस चीज़ की, आपने पता किया? मुझे कोई जानकारी नहीं है, और मैंने पता करने का वहाँ का एक नंबर था, उन्होंने कहा मैं 2 दिन बाद बताऊँगी मैडम। अब आप क्या चाहते हैं? जी मैं तो यही चाहता हूँ कि सरकार के ऊपर ही है, वो उनका इलाज कराएं, ट्रीटमेंट देखभाल, हम लोग जाएँगे तो हम मिल भी नहीं सकते। Thank you.